पहला टेस्ट मैच इस सीरीज का खेला जाएगा नॉटिंगहम में, थोड़ा नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है, लेकिन प्लेइंग इलेवन बहुत बहुत क्रूशियल होगा। और मेरा प्लेइंग इलेवन क्या होगा? हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। जी हाँ, पहला टेस्ट मैच, प्लेइंग इलेवन बहुत जरूरी, क्योंकि मेरे ख्याल से इस सीरीज में भारत के पास, इंडिया इज गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू विन दिस सीरीज। लेकिन उसके लिए सही कॉम्बिनेशन चुनना, सही प्लेइंग इलेवन चुनना बहुत बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि देर इज़ अ चांस कि अगर आप सही नहीं खिलाएं यू माइट एंड अप लूजिंग द सीरीज। और जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ एन एक्सट्रीमली क्रूशियल सीरीज फॉर इंडिया, इंडियन सीनियर्स के लिए, जो कुछ लोगों का ये हो सकता है कि लास्ट इंग्लैंड का सफ़र हो। सो दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। सो एनीवेज, जस्ट फॉरगेटिंग ऑल दैट, जस्ट लुकिंग स्ट्रेट इन टू द प्लेइंग इलेवन, सबसे पहला चीज़ जो दिमाग में आता है कि क्या इंडिया थोड़ा सेफ खेलेगी? पहला टेस्ट मैच है तो चार बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाएगी, या पहले टेस्ट मैच से अटैकिंग मोड में रहेगी पांच बॉलर के साथ? दैट बी इंटरेस्टिंग टू सी। एज फार एज माई आंसर गोज, मेरे हिसाब से आई थिंक पांच बॉलर्स के साथ जाना बुरा नहीं होगा, बिकॉज यू काइंड ऑफ पुट अ मार्कर पहले मैच से, यू नो, एंड सेंड अ स्टेटमेंट सेइंग कि नहीं, वी आर हियर टू विन द सीरीज, नॉट प्ले इट सेफ। तो पांच बॉलर इज गोना बी वॉट आई वुड प्रेफर। फिर अगला सवाल ये होता है, अगर पांच बॉलर हैं तो क्या आप एक स्पिनर और चार सीमर के साथ जाएंगे, या दो स्पिनर और तीन सीमर के साथ जाएंगे? देखिए, मेरा खैर इट बॉयज डाउन टू पिच कैसा होगा। अभी भी मैं, जैसे देख सकते हैं आप, होटल क्वारंटीन में हूँ, अभी तक ग्राउंड नहीं पहुँचा, सेकेंड टेस्ट मैच से ग्राउंड पर रहूँगा और बेहतर बता पाऊँगा आपको। लेकिन जहाँ तक इस टेस्ट मैच की बात है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टर्न हो सकता है। अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, दूसरा कमिटमेंट है मेरा वहाँ पे, तो उनका मानना है, माइकल वॉन का, कि थोड़ा सा घूम सकता है पिच पे, तो फिर दो स्पिनर्स ज़रूर खेल सकते हैं। तो वो पिच के ऊपर डिपेंड करेगा, 4-1 या 3-2। तो ये तो हो गया स्पिनिंग कॉम्बिनेशन। और अगर स्पिनिंग कॉम्बिनेशन अगर आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर दो स्पिनर खिला रहे हैं तो इट्स वेरी सिंपल, अश्विन और जडेजा एक खेल रहे हैं तो वो कौन होगा? अगर एक खेलते हैं तो मेरे ख्याल से जडेजा, प्योरली बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, क्योंकि आप एक खिला रहे हैं मतलब उतना ज़्यादा टर्न नहीं है, देर आर फ्यू लेफ्ट हैंडर्स एज वेल, तो अगर टर्न होगा, अगर रफ क्रिएट होता है, और ऑब्वियसली हिज बैटिंग हैज़ इम्प्रूव क्वाइट अ बिट, कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड, अगर एक स्पिनर खेले तो आई वुड प्रेफर जडेजा। लेकिन लाइक आई सेड, देयर इज अ गुड चांस दैट बोथ ऑफ देम माइट प्ले। नहीं, अगर सीमर खेलते हैं तो, तीन सीमर अगर खेलते हैं तो तीन सीमर कौन होंगे? मेरे हिसाब से मेरे तीन सीमर्स होंगे बुमराह, शामी, और आई वुड लाइक टू गो विद मोहम्मद सिराज, क्योंकि जो मुझे सुनने में आ रहा है कि ही इज बॉलिंग रियली वेल नेट्स में। इनफैक्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी काफ़ी मेरे ख्याल से डिस्कशन हुआ था कि ईशांत खेलेंगे या मोहम्मद सिराज। आई वुड रादर गो विद मोहम्मद सिराज अगर मैं तीन सीमर होंगे। तो ये तीन, ये हो गए मेरे तीन सीमर। अगर चार सीमर के साथ खेलें तो क्या होगा? तो ये तीन तो रहेंगे, शामी, बुमराह, मोहम्मद सिराज। चौथा आई वुड लाइक टू गो विद शार्दुल ठाकुर, वहाँ पे ईशांत हैं, उमेश हैं, लेकिन शार्दुल आई लाइक द पैकेज, बैटिंग भी कर देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं बैट के साथ, बॉलर तो हैं ही। अगर प्योर बॉलर हिसाब से चुनना हो तो आई वुड हैव मे बी चोजन ईशांत और उमेश उनके पहले, लेकिन क्योंकि ये फोर्थ सीमर है और नंबर 8 पे बैटिंग करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको बैटिंग चाहिए होगा, तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से शार्दुल वुड बी अब माई प्रेफरेबल चॉइस अगर 4-1 से जा रहे हो। राइट, तो ये तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन हो गया। नाउ ऑब्वियसली सबसे एक बैटिंग में एक ही सवाल प्रिडोमिनेंटली जो खड़ा होता है वो है मयंक की जगह कौन, जो मैं पिछली बार कह चुका हूँ कि आई वुड गो विद केएल राहुल, इवन दो ही वॉन्ट्स टू बैट इन द मिडल ऑर्डर, लेकिन इन सिचुएशन में पहला टेस्ट मैच आईड रादर गो विद केएल राहुल, जिनके पास काफ़ी अनुभव है ओपन करने का, जो प्रैक्टिस मैच में भी रन बनाया, तो दैट कॉन्फिडेंस वुड हेल्प। सो दिस इज गॉन बी माई प्लेइंग इलेवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, जडेजा, देन अश्विन स्लैश शार्दुल, और मेरे तीन सीमर्स उसके बाद बुमराह, शामी और मोहम्मद सिराज। खैर, यू टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्लेइंग इलेवन। आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं, यू वांट टू सी समवन एल्स, डू लेट मी नो, बट दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गुड सीरीज, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दो
टीम्स जिनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है अलग अलग रीजंस के लिए. ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यू नो देर आर सम छोटे छोटे इंटरनल बैटल्स दैट नीड टू बी फॉट, स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो द क्रिटिसिज्म जो पुजारा हैज़ बीन फेसिंग, और अजिंक्य रहाणे और विराट फॉर दैट मैटर, बुमराह ही हैज़न्ट बीन, इंजरी के बाद जब से आए हैं हैज़न्ट बीन एट हिज बेस्ट, इट्स बीन अ लिटिल बिट ऑफ मर्मर्स उस बारे में भी. यू नो एज फार एज इंग्लैंड इज कंसर्न, देव न्यूजीलैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज था दे वर क्वाइट बैड. उनका टॉप ऑर्डर या बैटिंग ऑर्डर इज ऑल ओवर द प्लेस, ऊपर से बेन स्टोक्स नहीं, मोइन अली नहीं, क्रिस वोक्स नहीं, सो या एंड सामने उनके सामने एक एशेज सीरीज है, बिग एशेज सीरीज. देर आर इवन टॉक्स ऑफ कि कुड दिस बी द लास्ट ईयर ऑफ जो रूट्स कैप्टनसी. तो इट्स अ लॉट ऑफ मर्मर्स, सो सब प्लॉट्स काफ़ी सारे हैं, सो इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग सीरीज. So keep tuning in to Deep Point, to the channel, and I'll bring you whatever I've got from here and my opinions and obviously aapke comments. See you around, take care, and do abide by the COVID laws, COVID protocols, please, and take care of yourself.